सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग के मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद पूरा स्टेडियम हैरान हो गया। दरअसल चेन्नई सुपर किंग के बैट्समैन रन नहीं बना पा रहे थे और 19वां ओवर जो था भुवनेश्वर कुमार को दिया गया था। जैसे भुवनेश्वर कुमार को दिया गया था तो उस टाइम भुवनेश्वर कुमार का बॉल में जडेजा एक रन लेने का कोशिश कर रहे थे और बीच में आ गए थे जब वो थ्रो कर रहे थे। कुछ इस प्रकार से जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार थ्रो कर रहे थे और बीच में आ गए थे जडेजा। और जडेजा को ये रूल है कि जडेजा विकेट के बीच में, जडेजा हो या कोई भी विकेट के रूल बीच में आएगा तो वो आउट दिया जाता है, पर अपील करना होता है। आपको बता दें हैदराबाद के कोई भी प्लेयर ने अपील नहीं किया, ये धोनी का खौफ था और धोनी के खौफ के वजह से काहे कि रन नहीं बन रहा था और धोनी आएंगे तो बहुत मारेंगे, इस वजह से उन लोगों ने DRS लिया ही नहीं।